नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले में जब कोरोना की महामारी अपने चरम पर थी, तब डेहरी के एक परिवार को कोरोना पॉजिटिव निकला। उस परिवार को धार लाने के दौरान 108 एम्बुलेंस का ड्राइवर काबर सिंह की तबीयत अचानक से खराब हो गई। वह इंदौर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मौत ने सभी को झकझोर दिया था। आपको बता दें कि संगठन, सांसद, स्वास्थ्य अधिकारी, धार कलेक्टर श्रीकांत बनोट ने यह कहा था कि जो भी गाइडलाइन होगी उसमें प्रयास किए जाएंगे। वही ईएमटी संगठन के रामस्वरूप परमार मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे, वह भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे। आपको बता दें कि कोरोना वॉरियर्स को जो 50 लाख रुपए की राशि दी जाना है, वह काबर सिंह जो कि ईएमटी वाहन का ड्राइवर था उसे भी 50 लाख रुपए मिलना चाहिए थे, क्योंकि वह भी लगातार जो है कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहा था। इसी के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यह राशि स्वीकृत की गई है, जो कि जल्द ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस परिवार को दी जाएगी। आपको बता दें कि धार कलेक्टर के द्वारा यह पत्र जारी भी कर दिया गया है। और आपको यह भी बता दें कि इस खबर को मीडिया के द्वारा प्राथमिकता से दिखाया गया था। वही एसकेपी लाइव न्यूज ने इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया था कि वह भी कोरोना वॉरियर्स है, वह भी 50 लाख रुपए का हकदार है, उसे भी सम्मान निधि मिलना चाहिए। और खबर का असर यह हुआ, मीडिया की खबरों का असर यह हुआ कि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, संगठन के जनप्रतिनिधि के सामूहिक प्रयास से काबर सिंह के परिवार को सम्मान निधि प्रदान की जाएगी। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। पिछले 3 महीने से जो हमारे कोविड योद्धा इस संघर्ष में लगे हुए हैं, उसमें कुछ हमारे साथियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। और ये सम्मान निधि जो है उसकी भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन परिवार की सुरक्षा के लिए, उनके आगे के जीवन के लिए इसमें मदद मिलती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना लागू की थी उसके तारतम्य में उनको ये राशि स्वीकृत की गई है। और जो हमारे अन्य विभागों के योद्धा जो इस काम में लगे हुए हैं, उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनके परिवार के में सिक्योरिटी का एक भाव भी आता है। और जो लाखों लोगों की सेवा में लगे हैं, निश्चित रूप से शासन ने एक अच्छी स्कीम ये है जिसमें उनको परिवार को सामाजिक सुरक्षा आगे मिल पाती है। सर, कितनी राशि फिक्स है? ये राशि 50 लाख की राशि जो है उनके लिए शासन द्वारा निर्धारित की गई है, और शीघ्र ही हम वो राशि माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनको उपलब्ध कराएंगे। शहीद कोरोना योद्धा स्वर्गीय कंवर सिंह चौहान, जो धार जिले के बाग थाने में पदस्थ थे, जिन्होंने कई दिनों तक अपनी सेवाएं देते हुए अपनी जान गंवा दी। उन्होंने लगातार कई दिनों तक अपनी सेवाएं दी और उनकी न्याय की लड़ाई को, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए 108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश लगातार लड़ता रहा। मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया, जहां पे आदेश दिया गया कि 30 दिवस में समस्या का निराकरण दिया करा जाए एवं कंवर सिंह चौहान को कोरोना योद्धा के तहत मानते हुए 50 लाख की राशि स्वीकृत की जाए। मध्य प्रदेश शासन का सहृदय धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 108 एम्बुलेंस कर्मी को कोरोना योद्धा मानते हुए 50 लाख की राशि स्वीकृत की और उनके परिवार को सौंपने का आदेश दिया। साथ ही साथ उन सभी मीडिया कर्मी एवं समस्त 108 कर्मचारियों का सहृदय धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस न्याय की लड़ाई को शिखर तक ले गए। मैं प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नृपेंद्र मिश्रा, 108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मध्य प्रदेश शासन का सहृदय धन्यवाद करते हैं। भारत माता की जय।